तवाफ के चौथे चक्कर की दुआ। अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा व ज़म्बम मग़फूरा व अमलन सालिहम मक़बूला व तिजारतन लन तबूर या आलिम मा फिस सुदूर أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف على كل غائبة لي منك بخير। इस दुआ का तर्जमा ये होगा, ए अल्लाह बना दे मेरे लिए इस हज को मकबूल और कामयाब कोशिश और गुनाहों की मगफिरत का जरिया और मकबूल नेक अमल और बेनुकसान तजारत। आप जब हज के लिए जाते हैं तो एक ही दुआ हमारी हज के पूरे सफर में होती है और वो ये होती है कि ए अल्लाह मेरे इस हज को मकबूल बना दे, मेरी इस कोशिश को जो मैं कर रहा हूँ इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, और इन तमाम मेरी कोशिशों की पदाश में मेरे जितने गुनाह हैं जो मैंने हज से पहले किए और आज तेरी पाक बारगाह में आ गया हूँ, ऐ अल्लाह मेरे उन सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ दिलों के हाल को जानने वाले, ऐ अल्लाह मुझे गुनाह के अंधेरों से ईमान और अमले साले की रोशनी की तरफ निकाल। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी रहमत हासिल होने के लाजमी जरियों का और असबाब का, जो तेरी मगफिरत को मेरे लिए लाजमी बना दें और गुनाह से सलामती का और हर नेकी से फ़ायदा उठाने का और जन्नत से बहरावर होने का और दोजख से निजात पाने का। और ऐ मेरे परवरदिगार तूने जो कुछ मुझे रिज्क दिया है इस पर मुझे कनात भी नसीब फरमा, और जो नेमतें आपने मुझे अता फरमाई हैं ए अल्लाह मेरी उन नेमतों में आप बरकत भी नसीब फरमा दीजिए, और हर नुकसान जो मेरी ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी ए अल्लाह नुकसान हो जाए, ए अल्लाह मेरे उस नुकसान के बदले में मुझे बेहतरीन नेमुल बदल नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अब आपने ये दुआ पढ़ते हुए रुकन यमानी पे जाना है, और रुकन यमानी पे आपने वही दुआ पढ़नी है जैसा मैंने अर्ज़ किया, और वो दुआ पढ़ते हुए आपने हजर अस्वद पे जाना है। हजर अस्वद पे आप अपना इस्तेलाम करेंगे, इस्तेलाम करते हुए आपने अपना पांचवा चक्कर शुरू करना है।